मुझ वतन दियांदी है, जिंद रोंदी ते कुरलांदी है, भावे ओ में को याद करेंदा नहीं, पर में को याद ते आंदी है। मेकु मुझ वतन दियो दिए। राम राम जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं हाँ तुम्हारा दोस्त कमलन वर्मा, तो मेरे चैनल का नाम है मुल्तानी बोली, जिसे तुसा मेरा प्रोग्राम देखते हुए मूझ अपने वतन दी, मूझ अपने वतन दी। आज के प्रोग्राम में कुछ खास है, पूरा दिखाने प्रोग्राम तो बड़ी चासा से, तो बड़ा मजा से, जब अज असा एक रियल स्टोरी के बारे च गाल करें, तो मैं गाल करें दबियां प्रीतम बुआ तुम कहाँ हो। प्रीतम बुआ तुम कहाँ, हाँ जी बिल्कुल, प्रीतम बुआ को उन्दे भतरीजे उन्दे घर आले बहु देर तू बहु साला तू लभेंदे वेदन, लेकिन पता कोनी कि प्रीतम बुआ इस टाइम जिंदा भी है या नहीं। मैं गाल करें पे जी सबको स्टोरी भेजी है, कहानी भेजी है, जी रियल स्टोरी है, जाहिद हुसैन खान मोजा नवाकोट तहसील लिया पाकिस्तान के। वो बड़ी सोहनी गाल करें दन, वो आते भी नवाकोट एक सेठियाँ आला महला है, तो सेठी कौम ने एक स्कूल बनवा रखा है, वो कहते हैं सेठियाँ आला स्कूल। वो स्कूल आज भी प्राइमरी स्कूल है। वो ये आदन कि अगर हिंदू बंदे इतना रांदे होंगे तो आज ये प्राइमरी स्कूल यूनिवर्सिटी बन चुका हो गया। बाकी गाल वो आप करे सन, मेरी गाल खत्म थे वन्दे बाद वो आसन। वो भाई गाल करें दन, वो आदन कि मेरी दादी दी कोई औलाद नहीं आई, ते हिंदू परिवार उन्होंने नाल रांधा है, वो जड़े सेठी परिवार है, सेठी परिवार है एक छवेर आई निके जी जिंदा ना है प्रीतम। उन्होंने प्रीतम को मेरी दादी दी झोली च पा दिता, तो भगवान दी अल्लाह ताला दी कृपा थी गई, कुछ साल बाद मेरे घर भी यानी कि दादी दे घर भी एक छोर ने जन्म दिता जिंदा ना है फलक शेर। फलक शेर वो आदन की प्रीतम सारे घर यानी कि मेरी दादी को 14 साल तक रही, 14 साल तक, 14 साल वाले बंदा जवान थे वह, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ज्यादा होंगी कौन आए, 14 साल का बाल बालिक होता है। कहता 14 साल तक वो लड़की सारे ही घर रही, लेकिन जेडे वेले पार्टीशन किया तो जेडे वेले सारे वनन लगे तो उस छवेर को भी जबरदस्ती भेजा गया, लेकिन वो 10 किलोमीटर दूर तू वापस रात कल्ली भर जाए। कल मेरे दादे ने तो मेरी दादी ने उन्हें को बुलाया, उन्हें को समझाया कि थोड़े टाइम बाद हालात ठीक थी वैसन तो तुसा वापस आ वैसो, उन्हें को गद्दी ते चढ़ा के आए। तो प्रीतम बुआ दी कंघी जड़ी वो लेंदी आई, जड़ी वो कपड़े पहनती आई, जड़ी वो जुत्ती वो पहनती आई, वो कपड़े जुत्ती कंघी हूँ भी इस परिवार मौजूद है, हूँ भी पहन। तो एक प्रीतम के हाथ का कड्ढा आया बड़ा सोहना रुमाल, वो भी आज तक उन्होंने संभाल कर रखे। दादी तो हूँ रही कोनी, दादा भी कोनी रिया फोत थी गन। वो आदन कि जिदन भी किदाई भी प्रीतम का पता लगे या प्रीतम वापस आवे इतना ये समान कुकू देवड़े। तो दादी गुजर गई है, दादा भी गुजर गए, तो नाल वो वसीयत ये कर गए कि जिदन भी प्रीतम दा परिवार दा या प्रीतम के घरों कोई आवे तो उसको मेरी कबर से जरूर गिनवा ले। बड़ी इमोशनल कहानी है, तो मैं सारे दर्शकों को देखने वाले को ये रिक्वेस्ट करे सा कि प्रीतम दे परिवार जो कोई हो, अगर प्रीतम खुद हो तो बड़ी चंगी गाल है, अगर प्रीतम इस टाइम जिंदा नहीं है तो उनके परिवार वाले जरूर हो सन, वो जितना भी बैठन जितना भी वसते पहन वो जरूर सारे नाल गालबात करन, सारे नाल गाल करन, असा उन्हां दे उह परिवार नाल जरूर गाल करवा रहे सूँ जेड़े परिवार चो वड्डी फली थईए जवान थईए, ते वो परिवार मरते दम तक प्रीतम को याद करेंदा रहे। हुण उन्हां दा भतरीजा है यानी कि प्रीतम दा भतरीजा सा जाहिद हुसैन खान, वो बड़ा इमोशनल है, तो बड़ा इंतजार करेंदा पे, वो आते जेड़े वेले वे बंदे आसन मैं अगर प्रीतम मिलसी तो मैं उन्दे पैर चुम गिन सा। निवेदन अर्ज रिक्वेस्ट ये है
कि जेड़े बंदे प्रीतम को जानते सेठी कौम आई उन्हों की जेड़े प्रीतम को जानते हैं तो जेड़े उन्होंने परिवार के बंदे ये वीडियो दे बैठन तो जरूर सबको कॉन्टैक्ट करें ताकि असा दो परिवार को मिला सकूँ। राम राम जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाँ जाहिद हुसैन खान फ्राम मौजा नवाकोट डिस्ट्रिक्ट लिया पाकिस्तान तो मैं सब तो पहले तो शुक्रगुजार हाँ जनाब कमल नैन वर्मा साहब का जिन्हें मैं को जनाब नाल गुफ्तगु करन दा मौका फराहम किया और ये एक फरिश्ता सिफत इंसान हैं जेडे दो विछड़े दिलों को मिलावने एक पुल का किरदार अदा करे ने। और जनाब जनाब को जिमें पता ही है कि सन 1947 के 14 अगस्त वाली दिहाड़ साड़ा प्यारा वतन पाकिस्तान महाराज वजूद आया और शायद कम लोग जानते हैं कि इस पाकिस्तान के बनने की खुशी अपनी जगह लेकिन जड़िया इस पर कुरबानियां देवनिया पईयां उन्हों कुरबानियां जेडे सारे हीरोज़ जिन्हों का ना कोई नहीं जेडे गुमनाम हीरोज़ इस दुनिया तो गुजर गए वो उन्हों हीरोज़ दे असं जेडियां कुरबानियां वो असं भुला छोड़ियां। और शायद कम लोगों को पता हो सी कि इस पाकिस्तान बर्रे सगीर पाक व हिंद की जेडी तकसीम आई वो जनाब इंसानी तारीख की सब तो वड्डी नकल मकानी है। 1,20,00,000 इंसान हिजरत की और जैसे 65,00,000 मुसलमान 55,00,000 हिंदू तो सिख हैं और उन्होंने उन्होंने 1,20,00,000 इंसान तकरीबन कम अज़ कम 20,00,000 इंसान मारे गए जैसे 15,00,000 मुसलमान शहीद थी गए तो 5,00,000 हिंदू तो सिख मारे गए और उन्होंने बेचारे को कब्र भी नसीब ना थी और कई महीनों तक गिरजा तो कव्या की उशका खुराक बनते रहे। और उस तो अलावा जनाब 1,00,000 औरतों दियाँ इज्जत लुटिया गई कई औरत ऐसिया जिन्हें अपन जाना द नजराने पेश करके अपन इज्जत बचाइया सलाम है उस हवा की बेटी जिन्हें अपन जाना के नजराने पेश करके अपन इज्जत बचाइया और लोगों जनाब उस नकल मकानी में अपना भरे गार सब कुछ छोड़ के तो उतों टुरन से मजबूर थी गए बेचारे और जिते सारी दुनिया इतने व्डे जुदाइया सामनिया पे जुदाई का एक जख्म मेरे खानदान को भी सामना पाया। और जिते जेड़े इलाके मैं मौजूद हाँ इस इलाके एक सेठी कौम आबाद आई हिंदुओं की और उन्हें जनाब एक स्कूल बनवाया आई प्रायमरी स्कूल सेठियाँ वाला जोड़ा कि अज ही मौजूद है और अज भी उन्होंने वापसी का मुंतजर है। और मैं उन्होंने लोगों को सलाम करें ना कि उन्हें इतने स्कूल बनाए अगर वो स्कूल ना बनवाएंगे तो अज मेरे इलाके कोई पढ़ा लिखा बंदा ना होता मैं खुद भी अंगूठा छा पवा। और दूजी गल ये कि अगर वो इस इलाके मौजूद रहते हो हिंदू तो यह स्कूल अज यूनिवर्सिटी हो गया लेकिन अफसोस सद अफसोस कि यह स्कूल उस टाइम भी प्रायमरी है अज भी प्रायमरी। और जनाब उस स्कूल के जो सेठियां उन्हें सेठियां नाल मेरे डारे मरहूम के बहुत बड़े तालुकात हैं मेरे डारे मरहूम की कोई औलाद कोई नहीं उन्हें सेठियां जज्बा खैर सगाली के तहत एक सेठी औरत अपनी एक बच्ची मेरी डाड़ी की झोली च पाई तो वह बच्ची जिस टाइम मेरी डाड़ी की झोली च आई तो अल्लाह ताला मेरी डाड़ी को एक बेटा अता फरमाया। वो जी बच्ची हिंदुआ दी आई उसका नाँ है प्रीतम और मैं उसको प्रीतम ना आखसा मैं उसको आखसा बुआ प्रीतम। और उस जी सा बुआ प्रीतम है वह 14 साल साढ़े घर च रही पली बड़ी जवान थी इस टाइम सा 14 अगस्त 1947 उन्हें हिंदुआ इतों वजना पाया तो बेचारे टुरन से मजबूर थे तो वह प्रीतम आखा जी मेरी डाड़ी को सक मैं तो ना वैसा मैं तो हिंदुस्तान ना वजना चाहती मैं तुरे कोल रहना चाहती हाँ। मेरे डाडे उसको बड़ा विलाया समझाया ओके बेटा तुस लगे वजो कुछ अरसे तक तुस इतने वापस आ वैसो हालात ठीक थी वैसे उस प्रीतम को तो उसके खानदान को मेरे खानदान आए वन के इतों 10 किलोमीटर नवाकोट उत्थे छोड़ा है। और उस प्रीतम की मुहब्बत देखो कि वो 10 किलोमीटर सफ़र करके लुगी पैदल राती सारी घर वापस आ गई इतों मेरी डाड़ी तो डाड़ा दोबारा गए तो उसको वह दोबारा जनाब उत्थे छोड़ के आए तो अपन अखी नाल उस अपनी धी को मेरी डाडे की सकी धी कोई नहीं उन्हें उसको अपनी धी बनाया अपनी धी को मिलिट्री के ट्रक से चढ़द हो अपनी अखी नाल देते रहे और मरदे दम तक उसकी वापसी के मुंतजर रहे। और जिस टाइम वो फौत थी मन लगे मैं अपने डाडे को तो नहीं डिठा मेरी डाडी जिस टाइम फौत थी मन लगी उस आखे कि अगर प्रीतम या उसके खानदान के कहें फर्द नाल कहीं जिंदगी राबता थी पवे तो उसको मेरी कबर तक नवाए। और मेरी डाडी दी उस प्रीतम उस मेरी बुआ प्रीतम नाल तुसा मुहब्बत देखो कि जेड़ी वो बुआ प्रीतम कंघी देंदी आई जेड़े वो कपड़े पहनती आई जेड़ी वो जुत्ती पहनती आई वो मेरी डाडी इतनी संभाल के रखी हुई कि आज भी सारे को महफूज है। और उस जनाब उस बुआ प्रीतम जैसे सरेकी जो सीप आ दें उस एक रुमाल तो सीप कढ़ियां अपने हाथ नाल और रुमाल मैं जनाब को दिखाना वो रुमाल मेरी डाडी इतना संभाल के रखा हुआ आई कि वो रुमाल अज भी देखो ये जनाब को मैं ये देख सकते हो तुसा ये रुमाल अज भी उन्होंने हाथ का निकल हुआ रुमाल ये मेरी बुआ प्रीतम के हाथ का निकल हुआ रुमाल है। और काश और मेरी
जनाब रिक्वेस्ट है जेड़े लोग मेरी वीडियो देखते पे अगर प्रीतम कहें खानदान च हो प्रीतम या उस खानदान का कोई बंदा उस दे पुत्र पोतरे धियाँ पोतरियाँ कोई बंदा मेरी वीडियो देखता पे तो प्लीज़ मेरे नाल जरूर कंटैक्ट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है +92 342 512 5614 +92 342 512 5614 जमा 9 2 3 4 5 1 5 6 1 4। और इस तू अलावा इस प्रीतम द खानदान तो अस मोस्ट वेलकम आखसू इतने सू बहुत उन्होंने मेरे खुशी थी अगर राबता थी वे उस तू अलावा जेडे नवाकोट हैदराबाद या मनकेरे जो हिंदू इतों टुर के गए अगर कोई मेरे नाल कंटैक्ट करे तो मैं उन्होंने इतों जो घर चो आबाद रहा घर उन्होंने को मैं रिखाएसा और अगर इतों आवना चाहवन अपनी इस मिट्टी को चुमना चाहवन तो मोस्ट वेलकम बंदा इन चीज़ हाजिर है जितनी जोगा मैं हाजिर हाँ लेकिन वीजे च मैं कुछ ना कर सकता। आखिर ते अपनी डाडी की तरफों बुआ प्रीतम के नाते अताउल्ला ईसा खेलवी का एक डोड़ा। वे नित जुदाई तेरी विच माही ते मैं डरों दनी नैन निमाने मैं तरुल गईया तै सोनी बाजू ते तू जाने या ना जाने वे मैं तो मर गईया शल रब बख्शे मैं को ते सदा तू वे जवानियां माने ओ मैं कमबख्त दिया दुआ है ते कु रब वतना ते आने। अस्सलाम वालेकुम।